सीवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्व कर्मचारी जो पचरुखी में पदस्थापित थे, उन्हें अपराधियों ने घर जाने के दौरान सीने पर गोली मारकर पूरी तरह से घायल कर दिया है। बताते चले कि राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार जीबी नगर थाना इलाके के अहिरनी गांव के रहने वाले हैं और जब यह अपने काम से अपने घर लौट रहे थे, उसी दौरान अपराधियों ने इन्हें सीने में गोली दाग दी, जिसके बाद से स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सिवान के सदर अस्पताल में लाया, लेकिन स्थिति को डॉक्टरों ने गंभीर बताते हुए पटना PMCH रेफर कर दिया। आप देख सकते हैं, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सिवान के सदर अस्पताल की। इस घटना के बाद सिवान के SDPO और SDO भी दलबल के साथ पहुँचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। ATN लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू की रिपोर्ट। वो राजस्व कर्मचारी हैं से, तो हम लोग तो अभी फील्ड में ही थे। हम लोग को सूचना मिली कि उन्हें गोली लगा है, उसकी तो तहकीकात की जाएगी पुलिस द्वारा। तो हम लोगों ने अभी तुरंत पटना के लिए एम्बुलेंस से हम लोगों ने भेज दिया है, साथ में उनके परिजन वगैरह सब गया। कहाँ गया था कुछ पता है? वो पता नहीं है, वो घर के पास ही उनको गोली किसी ने मारा है। कितनी गोली लगी है सर? वो सब नहीं बता पाएंगे अभी सर। क्या नाम है सर उनका? सर ठीक है, सुधीर कुमार सिन्हा।